हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रियल मी बर्ड वायरलेस रियल बेस अनवायर्ड का। ये ईयरफोन आपको मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है। इस ईयरफोन जो इसके प्राइस रेंज पे ये आती है, जो आपको हमेशा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर 1799 पे अवेलेबल होगी, पर अभी ऑफ़र में आप इसे 1600 में परचेज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक मैग्नेटिक कंट्रोल दिया हुआ है। इस मैग्नेटिक कंट्रोल की मदद से आप गाने को पॉज प्ले दोनों कर सकते हैं और बैटरी को सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो बूस्टर वायर जो दिया हुआ है, बेस बूस्टर ड्राइवर, ये बहुत ही आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी देगा और नॉइज़ कैंसिलेशन को भी रिड्यूस करेगा। प्लेबैक की बात करें तो इस प्राइस रेंज में ये अब तक का सबसे बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन है, जो 12 घंटे की प्लेबैक गारंटी का वादा करता है, पर आपको 10 घंटे तक मिल जाएगी। और आपको मतलब ये बहुत फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो जल्दी से चार्ज भी हो जाएगा। फ्लेक्सिबल नेकलेस, मतलब इसका जो वायर्ड है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको आप कैसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आपके नेक पे ये पेन भी नहीं देता है, कोई भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर उसे लगाए हुए हैं, ऐसा फील भी नहीं होगा। बहुत लाइट वेटेड है, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है, जिसके कारण ये बहुत फास्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। स्वेट प्रूफ IPX4 का रेटिंग सर्टिफिकेट है, मतलब पसीने से हल्का फुल्का बारिश में आप भींग गए तो उससे कोई ईयरफोन को अफेक्ट नहीं होगा। चलिए अब ईयरफोन के देखते हैं। ये रहा हमारा ईयरफोन, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था, उस समय ये ऑफ़र में चल रही थी 1600 में, तो मैंने इसे लिया। ये है मैग्नेटिक कंट्रोल, इसको जैसे ही हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से, फर्स्ट टाइम तो आपको पेयर करना पड़ेगा और दूसरे सेकंड टाइम आपको ऑटोमेटिक ये पेयर्ड हो जाएगी। ये टच, ये मैग्नेटिक कंट्रोल है इस तरह का, ठीक है ना। पॉज प्ले यहाँ पे इसके कंट्रोल दिए हुए हैं, और इस वाले पे इस रियल मी का सिर्फ एक ब्रांडिंग नेम दिया हुआ है, कहीं है मुझे पता नहीं चल रहा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये आपको येलो कलर का है, जो इस कलर का ब्लैक, ये दो वेरिएंट में, तीन कलर में शायद आती है, ऑरेंज ग्रीन और ये ब्लैक येलो के कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर यही लोग परचेस करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्टिव अच्छा लगता है। ये साउंड को अप डाउन करने का है, यहाँ से पॉज प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे एक LED लाइट भी दिया हुआ है, जब आप चार्ज करेंगे तो रेड कलर का जलेगा और जब आप कनेक्टिविटी ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये ब्लू का ब्लिंक करेगा। और साथ में साथ यहाँ पे आपको ये चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए थोड़ा आपको दिखेगा, ये चार्जिंग का पॉट है, ये ओपन ही रहता है, ऐसा ना सोचें कि ये मतलब इसका कोई कवर था और टूट गया। और क्या मुझे मिलता है, ये बॉक्स है। ये इस बॉक्स के अंदर अगर आपका मान लीजिए कि ईयरबड खुल के कहीं गिर जाता है मार्केट में, तो ये आपको ये केबल दिया हुआ है चार्जिंग का, ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी में है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रीमियम है, ऐसा नहीं कि लोकल वाला चिपका दिया हूँ, ठीक है। और ये आपका ईयरबड्स है, ठीक है, अगर आपके ईयर के साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और अगर कहीं आपका खो गया हो तो इसे लगा सकते हैं। ईयर अनबॉक्सिंग से साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा, आप अगर इसको परचेस करते हैं तो बहुत ही आप पछताएंगे नहीं, वैल्यू फॉर मनी है। और 20,000 के अंदर, सॉरी ये 2000 के अंदर अब तक का सबसे बेस्ट है। इसे मैंने वन प्लस का जो ईयरफोन आया है उससे भी कंपेयर किया है, पर यकीन माने साउंड क्वालिटी इसका सबसे बेस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।